मैं सुनील सिंह, जिला पंचायत सदस्य, आरा जिला सेक्टर नंबर 4, और ग्राम हमारा कुरौती है। इधर विगत कई दिनों से, जब से नए चौकी इंचार्ज आए हैं कुलदीप मिश्रा जी, इधर कई दिनों से अवैध खनन बड़ा जोरों शोरों पे है। पहले ऐसा नहीं है कि भट्टे इधर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो मिट्टी का खनन का कार्य होता था वो बहुत ज़्यादा ज़्यादा 5-5:30 बजे तक बंद हो जाता था। लेकिन इधर भी जब से ये नए चौकी इंचार्ज महोदय आए हुए हैं, तब से लगातार खनन की स्थिति ये है कि 8:30-9 बजे तक खनन होता है लगातार। मैं कई बार इनको फ़ोन करके और व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज मैं किया हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि स्कूल के बच्चे जो हैं वहीं से जाते हैं, सूरजपति स्कूल है, अटल बिहारी वाजपेयी है, आइडियल पब्लिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय कुरौती है और आदर्श विद्यालय रज्जीपुरा, जहाँ की छोटे छोटे बच्चे साइकिल से और पैदल जाते हैं, और बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जो कि बसें और टेम्पू आती हैं उससे जाते हैं। और ट्रैक्टर की स्थिति यह है कि बे लगाम इतना तेज चलाते हैं जिससे कि आसपास आप आके देख लें कुरौती चौराहे की स्थिति, इतनी मिट्टी डस्ट जमी हुई है कि अब कहा नहीं जा सकता। मेरा मेन मतलब सिर्फ इतना था कि जो अवैध खनन हो रहा है, हो 5 बजे तक हो, भट्टा है चले, हमसे उससे नहीं मतलब। मेरा कहने का मात्र इशू ये था कि जब बच्चे स्कूल जाने लगे कम से कम उस समय बंद हो जाए। लगातार मैं कई बार इस संदर्भ में चौकी इंचार्ज से बात किया और उनका जवाब बड़ा ही नेगेटिव रहा। आज मैं 9:30 बजे जब JCB जा रही थी तो मैंने इनके मैसेज डाला और इतने में ये बौखला कर हमको फ़ोन किए कि ये आप मैसेज हमको मत किया करिए, और अवैध खनन कहाँ हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं पहला ऐसा चौकी इंचार्ज या ऐसा हल्का इंचार्ज दरोगा देख रहा हूँ जो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है। चौकी इंचार्ज ही कराने क्या हो सकता है जिसको अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है कोई जानकारी नहीं है। दूसरी बात ये मुझसे कह रहे हैं कि आप हमको फ़ोन कर दीजिए, जब इनका 100 नंबर, इनका पैंथर, इनका सब कुछ यहाँ टहल रहा है, इसके बाद भी एक जनप्रतिनिधि से ये आदेश कर रहे हैं कि आप हमको फ़ोन कर दीजिए और हम गाड़ी पैंथर भेज के करवा देंगे। एक दिन मेरे से इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा कि आप ऐसा करिए, रात में इनको रोकिए और मुझको बुला लीजिए। अब मैं सोशल आदमी हूँ, मैं लोगों को ट्रैक्टर और JCB रोकूँ और ये हमको बुला लेंगे। मेरा निवेदन इतना है कि इनको या तो तत्काल यहाँ से हटाया जाए और या तो ये जो अवैध खनन हो रहा है ये 5-6 बजे तक होके बंद हो जाए। स्कूल के बच्चे जब आना शुरू हो तो ये एक भी ट्रैक्टर मिट्टी ढुलाई की नहीं दिखानी पड़नी चाहिए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।